गोवर्धन इलाके में आवारा पशुओं से परेशान लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों द्वारा आवारा पशुओं को लगातार कभी स्कूल तो कभी स्वास्थ्य केंद्र तो कभी शमशान भूमि में बंधक बनाते हुए की तस्वीर सामने आ रही है। ये ताजा तस्वीरें गोवर्धन के कस्बा राधाकुंड की हैं। यहाँ नगर पंचायत राधाकुंड कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से आवारा घूम रहे सैकड़ों पशुओं को शमशान भूमि में बंधक बना दिया है। वहीं इस मामले में किसानों का कहना है कि आवारा पशु लगातार फसलों का नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों को दिन और रात खेतों में आवारा पशुओं की वजह से रखवाली पर रहना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जोशी। जो आपने आज आवारा गोवंश को राधाकुंड शमशान घाट में बंद किया, इसका क्या कारण है? भैया किसान परेशान है, पूरी रात गेहूं को खाते हैं, किसान जाके जाके खेतों पर सो नहीं पाता है, क्या करें, मजबूरी है। और ऊपर से भी आदि से डीएम साहब के कि गायों को इकट्ठा करें और गौशाला में भिजवाएं। ये आज करीब यहाँ करीब 150 गोवंश बंद किया गया है, ये कितने लोगों ने बंद किया? पूरे गाँव का सहयोग है, पूरे गाँव के ही लोगों ने ही सब इकट्ठा किया है यहाँ पर। और आवारा पशु आए दिन राहगीरों को चुटेल भी कर देते हैं। इससे एक बात का अनुमान तो लगाया जा सकता है कि प्रदेश की योगी सरकार कहीं न कहीं आवारा घूम रहे पशुओं से किसानों को राहत दिलाने